अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पनीर अफगानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती है। घर पर रखे सिंपल इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाना जितना आसान है उतनी ही ये लजीज लगती है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। इन्हें थोड़े मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आप इन्हें छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो जब आप इन्हें सेकेंगे तो इन्हें टूटने का डर रहता है, इसलिए आप इन्हें मोटे मोटे पीसेस में ही कट करें। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक बोल लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, इससे एक स्मोकी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहां पर मैंने इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर दिए हैं। इन्हें हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि पीसेस यहाँ पर टूटे नहीं, इन्हें हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब यहाँ पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें, 3 लार्ज प्याज स्लाइस कट करके रखी हुई है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 से 13 लहसुन की कलियाँ, 7 से 8 काजू और 1 हैंडफुल धनिया के पत्ते लिए हैं। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें 2 बटर क्यूब्स डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मगर बटर से टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। बटर हमारा मेल्ट होने लगा है तो अब इसमें स्लाइस कट करी हुई प्याज डालेंगे, ये 2 कप के बराबर है। अब हमें यहाँ प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिर्च बढ़ा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर काजू, अदरक और लहसुन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए, इस पर पिंकिश सा कलर आ गया है, प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको भी 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे प्लेट में निकाल लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे साइड में रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम एक पैन लेंगे, 1 क्यूब इसमें बटर ऐड करेंगे। अब जो हमने पनीर मैरिनेट करके रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। एक एक करके हमें सारे पीसेस को इस पे रख देना है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेना है। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे फ्लिप कर देंगे और जब दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए तो पनीर के पीसेस को निकाल लेंगे। हमें इसे इतना ही फ्राई करना था जिससे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे। देखिए, यहाँ प्याज हरी मिर्च को जो फ्राई किया था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। जो पनीर मैरिनेशन का मसाला बचा था उसी बोल में हम इस पेस्ट को डाल देंगे। अब इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, या फिर आपके पास घर की मलाई हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, ये वही पैन है जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था। इसमें थोड़ा सा बटर बचा हुआ है, अब हम इसी में ही 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, 10 से 11 काली मिर्चें,
3 हरी इलायची, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और 3 से 4 इसमें लौंगे ऐड करेंगे। इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे और जो हमने ग्रेवी के लिए पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिला देना है, हाई फ्लेम पर इसे मिक्स करेंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। मैंने बीच बीच में इसे 1-2 बार चला दिया था जिससे ग्रेवी बॉटम में चुपके नहीं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और इसमें 1 टीस्पून रोस्ट करी हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी चीजों को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। अब इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क यहाँ पर हमें हल्का गर्म लेना है। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट हो गई है, ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब इस पॉइंट पर डालना है हमें इसमें पनीर के पीसेस। पनीर के पीसेस को हमें अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है। बस अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पकाना है। तो अब हमें इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर ऐड करना है। इसके लिए मैंने यहाँ एक कोयले को गर्म कर लिया है। इसमें ऑयल, घी या बटर कुछ भी ऐड कर देंगे और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम कोयले को बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून क्रीम से इसे गार्निश कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा अफगानी पनीर बनके तैयार हो गया है, जो बहुत ही स्मूथ और सिल्की ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होता है और जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। और आप जिसे भी खिलाएंगे उसे यही फीलिंग आएगी कि आपने इसे रेस्टोरेंट से मंगाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो ट्राई कीजिए ये पनीर अफगानी की रेसिपी और मुझको ज़रूर बताएं कि कैसा बना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।